बोलिसियावर रामचंद्र भगवान की। उमापति महादेव की। श्री बाल कृष्ण भगवान की। हनुमान जी महाराज की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। सतगुरु भगवान की। हरि ओ नम पार्वती पते हर 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 महादेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत वंदन कर आप सभी भगवत प्रेमी हरि अनुरागी भक्तों को व्यासपीठ से प्रणाम कर भारत भूमि की इस पावन धरा पे भगवान राम जी के पावन चरित्र को आज कथा के दूसरे दिवस कथा के क्रम को लेने से पहले हम आपसे कहेंगे कल हमने कथा को कहां विराम किया। भगवान भोलेनाथ सती के साथ अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने को गए। अगस्त जी ने कथा सुनाई है, शिव ने ही सुनी। वहां से विदा लेके वापस कैलाश को जा रहे हैं। रास्ते में राम जी के दर्शन हुए। राम जी को देख के सती के मन में मोह हुआ। शिव ने खूब समझाया पर सती के समझ में आई नहीं और सती मेरे प्रभु की परीक्षा लेने को चली है। शिव ही बैठे हरि नाम सुमिरन कर रहे हैं। सती राम जी की परीक्षा लेने चली तो विचार करने लगी परीक्षा कैसे ली। तुलसी बाबा ने लिखा पुनि पुनि हृदय विचार कर। बार बार मन में विचार किया पुनि पुनि हृदय विचार करी धरि सीता करवे। विचार किया कि वो सीता सीता करके पुकारते हुए जा रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना हम सीता का ही वेश धर लें। अगर वह राजकुमार होंगे तो सीता समझ के हमारा हाथ पकड़ लेंगे और ईश्वर होंगे तो हमें पहचान लेंगे। उस रास्ते के बीच में जाके खड़ी हो गई जहां मेरे प्रभु लखन के साथ में आ रहे हैं। लखन की नजर पड़ी सबसे पहले सती के ऊपर। लखन सती को पहचान गए पर बोले नहीं। सोचा क्या पता मेरे प्रभु की लीला में ये भी कोई लीला होगी, हमें कुछ नहीं बोलना है। पर जो ही मेरे प्रभु की नजर पड़ी है तुलसी बाबा बोले सती का पाटे जा नहीं सूर स्वामी। समदर सी हरि अंतर यामी। समदर सी हरि अंतर यामी।
मेरे प्रभु सती के कपट को जान गए। कैसे जान गए? तो तुलसी जी कहते हैं, राम जी तो समदर्शी है, अंतर्यामी है, अब उनसे भला कोई कपट करे तो कैसे बने, कौन है राम? तुलसी जी कहते हैं, सुमिरते जाही मिटै अज्ञाना, सुमिरत जाही मिटै अज्ञाना, जिनका नाम सुमिरन करने से जीव का अज्ञान मिट जाता है महाराज, वो मेरे प्रभु सोई सर्व गे राम भगवाना, सोई सर्व गे राम प्रभु सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। आज सती उनसे ही कपट कर रही है। राम जी सती को पहचान तो गए, पर अब सती को किस नाम से संबोधित करें, क्योंकि सीता कह नहीं सकते क्योंकि मूल में सती है, और सती भी कह नहीं सकते क्योंकि सीता का वेश धरा हुआ है। फिर मेरे प्रभु ने सोचा कि सती हमारी परीक्षा लेने आई है, और जो परीक्षा लेता है वो गुरु होता है और गुरु वंदनीय होता है, इसलिए मेरे प्रभु ने न तो कहा सीता और नहीं कहा सती। क्या किया? जोरी पानी प्रभु, जोरी पानी प्रभु कीन पर नामो, सीता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी दोनों हाथ जोड़ के कीन प्रणाम, राम जी ने प्रणाम किया, पिता समेत लीन निज नाम का, मैं दशरथ नंदन राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। जैसे ही सती ने मेरे प्रभु को देखा, कुछ समझती कुछ कहती, उससे पहले मेरे प्रभु ने दूसरा प्रश्न किया, बौरी कहे बौरी कहे कहां ब्रश के तो, विपिन अकेली पी रही फिर कहा, अरे आप अकेली यहां क्यों घूम रही हो? भोलेनाथ कहां है? शंकर जी को कहां छोड़ा? अरे अकेली तो जानकी थी, उनका किसी ने हरण कर लिया, आप अकेली घूम रही हो, कोई ने आपका हरण कर लिया तो हम तो ढूंढ रहे हैं, फिर बाबा और साथ में हो जाएगा।
काहे शिव को कहां छोड़ा। जैसे ही मेरे प्रभु ने यह कहा, सती ने जान लिया शंकर कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, ये है तो सचिदानंद ही है। पर अब क्या हो, मन में विचार करने लगी, मैं शंकर करे कहन माना, मैं शंकर करी कान माना, निज अज्ञान राम पर आना, मैंने शिव की बात को माना नहीं, अपना अज्ञान राम जी पे आने दिया, अब वापस जाऊंगी और हमें शंकर पूछेंगे तो क्या कहेंगे, ये कहूंगी कि आप जो कह रहे हो सही है। मन में बड़ा दुख हुआ। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा है, जाय उतरे अब देहूं कहां, जाय उतरी अब देहूं कहां, और उपजा अति दारुण दाहा, ओरे रूप जाति दारुण दाहा, जाय उत्तर अब देहूं कहां, जाके क्या उत्तर दूंगी। मन में बड़ा दुख हुआ। उर उपजा अति दारुण दाह, फिर विचार किया जो होगा सो देखा जाएगा, जाना तो पड़ेगा। और सती जैसे ही शंकर जी की तरफ चली है, मेरे प्रभु ने सोचा कि सती हमारी माया से मोहित हुई है, तो सती को कम से कम अपनी माया का दर्शन तो कराऊं। जिस रास्ते से सती वापस शंकर के पास जा रही है, राम जी ने क्या कौतुक किया, सामने से ही राम लखन जानकी तीनों आ रहे। सती ने सोचा इनको तो हमने पीछे छोड़ा था, ये सामने कहां से आ गए, और ये तो दो ही थे, ये सीता इनके साथ कैसे हो गई। फिर घूम के वापस उधर देखा तो उधर भी राम लखन जानकी तीनों जा रहे, इधर देखा इधर राम लखन जानकी, इधर देखा इधर राम लखन जानकी, भगवान राम के विराट स्वरूप को देखा, पूरा चर अचर संसार उनमें घूम रहा है। सती ने अपने आप को ही मेरे प्रभु के स्वरूप शरीर में पाया, भयभीत हुई। मेरे प्रभु ने सती को यह बताया कि आप जो सोच रही हैं तो सुन लीजिए, ये जो पूरा संसार है वो मुझ में है, और मैं ही पूरे संसार में हूं, और या हूं वो भी मैं ही हूं, ये अकेला भी मैं ही हूं, पूरा संसार मुझ में है और मैं पूरे संसार में हूं, यही तो मेरी माया है। कुछ समझ में नहीं आया, सती के आंख बंद करके वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद में आंख खुली तो देखा, न तो राम है, न लखन है, न जानकी है। वहां से सती भागी है, सीधी शंकर के पास आई। अब देखिए शंकर जी की, हमारे घर में अगर कोई हमारी बात नहीं मानता है ना, तो हम क्रोध कर लेते हैं, मुंह को फुला के बैठ जाते हैं, और फिर वो हमसे बोलता है तो हम सीधे मुंह से बात नहीं करते। जबकि भगवान शंकर ने सती को समझाया
सती बात नहीं मानी, फिर भी मेरे भोलेनाथ ने सती पे क्रोध नहीं किया। जब वापस सती आई है शंकर के पास तो तुलसी बाबा लिखते हैं, गई सती शिव समीप हसी पूछी कुशला। जैसे ही सती शंकर के पास गई है तो शंकर ने हंस के पूछा, क्या पूछा, किलीन परीक्षा कवन विधि के सत्य कहूं सब बात। आपने परीक्षा कैसे ली, हमें सब सही सही बताए। देखिए पहले ही शंकर ने कह दिया कि आप हमें सत्य बताएं। सती राम जी के प्रभाव को जान गई थी, सोचा सही बताएंगे तो फिर हमारी बात का क्या रहेगा, तो शंकर से झूठ बोल गई। क्या कह रही, कछु न परीक्षा। महाराज गई तो थी लेकिन कछु न परीक्षा, लीन गोसाई कछु न परीक्षा, लीन गोसाई। महाराज कोई परीक्षा नहीं ली तो शिव ने कहा तो फिर गई क्यों थी, कहां गई थी। सती ने कहा गई तो थी परीक्षा लेने, तो फिर नहीं गई। नहीं गई तो फिर आप कह रहे हो परीक्षा नहीं ले रही तो फिर क्यों गई। का आधे रास्ते गई तो मन में विचार आया कि आप जो कह रहे हो जो असत्य थोड़ी हो सकता है। तो महाराज आपके साथ में जब हम आ रही थी तो आपने प्रणाम किया था, हमने प्रणाम नहीं किया था, हमारे प्रणाम बाकी रह गए थे। फिर सोचा आधी दूर आ ही गई हूं तो क्यों ना जाके प्रणाम कर लूं। और महाराज किन प्रणाम तुम्हारी नाही, कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा, लीने गोसाई कछु न परीक्षा, लीने गोसाई किन प्रणाम तुम्हारी नाही। कछुन परीक्षा, कछुन परीक्षा, हेलीन गोसाई कछुन परीक्षा, लीन गोसाई किन प्रणाम तुम्हारी नाही। किन प्रणाम तुम्हारी नाही, प्रणाम करके वापस आ गई। अब देखिए सती शंकर जी से झूठ बोल गई, पर शिव ने एक बार भी सती से नहीं कहा कि देवी आप हमसे कुछ छुपा रही हो। सती के चेहरे को देखा शंकर, सती के चेहरे को देख के समझ गए कि सती हमसे कुछ छुपा रही है। सती ने क्या किया सब जान गए। फिर सोचा, सती ने सीता का आवेश धरा, राम जी हमारे आराध्य इष्ट हैं, हमारे पिता हैं और जानकी जी हमारी माता हैं, तो सती ने मेरी मां का रूप धरा। नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ा गलत कर दिया। और अब एक बार ये मां का रूप धर के वापस हमारी पत्नी बनना चाहती है, वो कदाचित नहीं होगा।
और तुरंत शंकर मन में विचार करने लगे, अब जो करहु सती सन प्रीति, अब जो ही करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति पत हो यानीते। अब अगर सती के साथ में ग्रस्त जीवन रखें तो मेरा भक्ति का मार्ग श्रुति मार्ग नष्ट हो जाएगा। शिव विचारक करने लगे, आज सती हमसे झूठ बोल गई। फिर विचार किया, इसमें सती का कोई दोष नहीं है। और मेरे भोलेनाथ ने तुरंत हाथ बंद किए और वहीं ऐसे प्रणाम किया। तुलसी बाबा ने तुरंत लिख दिया क्या, बहुरी राम ही बहुरी राम माँ यहाँ सिरुनावा, बहुरी राम माँ यहीं सिरुनावा, प्रेरी सती जई गोठे कहावा। तेरी सती जे जूते कहावा। राम जी की माया को प्रणाम किया, उस माया की प्रेरणा से ही प्रेरित होकर ही सती ने झूठ बोला है। यानी मेरे प्रभु कुछ और ही करना चाहते हैं, ये राम जी की कोई माया का कौतुक ही होगा। शिव ने मेरे प्रभु की माया को राम जी को वंदन किया, मन ही मन संकल्प लिया और सती का त्याग कर दिया कि इस शरीर से सती के साथ में कोई ग्रस्त जीवन का धर्म नहीं। तुरंत आकाशवाणी हुई, जय हो महाराज जय हो, आप जैसा राम जी का कोई अनन्य भक्त हो ही नहीं सकता। सती ने कहा, महाराज ये जय जयकार किस बात की हो रही है? भोलेनाथ ने कुछ कहा नहीं। बातें करते करते कैलाश आए, जैसे ही कैलाश में आके शंकर बैठे, सती पास में आके बैठने लगी। शिव ने कहा, अब यहां नहीं, अब आप सामने बैठिए, आपका स्थान वाम भाग में नहीं, आपका स्थान तो सामने है। जैसे ही सामने बैठने का कहा, तुलसी बाबा कहते हैं, सती हृदय अनुमान किए कि सब जानहु सर्वज्ञ। सती ने अनुमान कर लिया, शंकर सब जान गए। कीन कपट में संभूषण के नारी सहज जड़ अगे। मैंने भोलेनाथ से कपट किया है, शिव से मैंने झूठ बोला और मेरा शंकर ने त्याग कर दिया। देखिए, 10 किलो दूध होता है ना, उस दूध के अंदर अगर 1 किलो पानी मिला दो, 1 लीटर पानी मिला दो, 10 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दो, तो वो दूध क्या करेगा? उस पानी को अपना रंग देगा, उस पानी को अपना स्वाद देगा और उस पानी को अपना मूल्य देगा। महाराज देगा कि नहीं देगा? लेकिन अगर उस दूध के अंदर 1 बूंद नींबू डाल दो, क्या करेगा? बोलिए, वह दूध पानी को अपने से अलग कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे ही अगर जीव जिस स्वरूप में है वो हरि के समर्पित हो जाए तो परमात्मा उसको अपने में मिला देता है, लेकिन अगर कपट की 1 बूंद डाल दें तो वो अपने से अलग कर देता है। निर्मल मन जन सो मोहि पाव। जिनका मन निर्मल है, जिस स्वरूप में है, उसी स्वरूप में परमात्मा को समर्पित हो जाए, ईश्वर अपने में स्वीकार कर लेता है।
लेकिन अगर कपट की एक बूंद भी हो खटाई की महाराज अपने से अलग कर देता। सती ने वही किया और आज शिव ने सती का त्याग कर दिया। अब कहें तो किसे कहें, गलती अपनी है, सती की स्वयं की गलती है, कहें किसे। शंकर बैठे शंकर आपन स्वरूप संभारा के लगी समाधि अखंड अपारा। शिव ने अपने स्वरूप को याद किया और महाराज शिव को समाधि लग गई। शंकर समाधि लगा के बैठ गए ध्यान में। अब सती अकेली बैठी है कैलाश पे, किसे कहें, अपने मन की बात सुनाएं तो किसको सुनाएं। बड़ी दुखी है और मन में विचार कर रही है, सबसे पहली मैंने क्या गलती की। तो सोच रही है सबसे पहली मेरी गलती यह हुई कि मैं जो कीन रघु पति अपमान, मैंने राम जी का अपमान किया। अब देखिए राम जी का अपमान कैसे किया। अगर पति पत्नी कहीं जाते हो और सामने कोई वरिष्ठ व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति आ जाए, परिवार का कोई वडील आ जाए और पतिदेव अगर झुक के उनको प्रणाम करें तो पत्नी का धर्म क्या होता है, प्रणाम करें या बटवा लेके खड़ी रहे। बोलिए माता जी आपसे ही पूछ रहे हैं, प्रणाम करना चाहिए ना, क्योंकि नारी पति अनुगामिनी है। यहां शिव ने प्रणाम किया था मेरे प्रभु को, पर सती ने प्रणाम नहीं किया था। सती ने कहा यह हमारी सबसे बड़ी गलती हुई, हमने राम जी का अपमान किया, उससे क्या हुआ, हमारी बुद्धि गड़बड़ हुई। और पुण्य पति बचन मृषा करी जाना, फिर पति के वचनों को मृषा यानी झूठ माना। सुरदास जी ने कितना सुंदर कहा, सुनेरी मैंने निर्बल की बल, जो अहंकार रहित है, जिससे प्रभुता का अहम नहीं है, उसके जीवन में हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। महाराज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है संसार में कि जिसको पद मिला प्रतिष्ठा मिली और महाराज अहंकार आया है। ऐसे भी कई लोग हैं जिनको नहीं आया। मेरे प्रभु कहते हैं या ये जो तुलसी जी ने लिखी है चौपाई, इसका उत्तर अयोध्या कांड में लिखा, वह लखन से मेरे प्रभु कहते हैं ओइ राज मद भरत कु विधि हरि हर पद पाए, कबहु के काजी सी करनी शीर सिंधु बिनसा। भरत जैसे स्वभाव के व्यक्ति को, भरत जैसे साधु को महाराज कभी राज मद नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद मिल जाए, नहीं तो महाराज ये तो मद होगा, अहंकार आएगा। कौ नहीं अस जन्मा जग माही के प्रभुता पाई जाहि मद नाही। अहंकार आया, दक्ष को यज्ञ का आयोजन रखा, सबको निमंत्रित किया है महाराज, ब्रह्मा को विष्णु को देवताओं को सबको, लेकिन शंकर को नहीं बुलाया। शंकर को ने जमाई है, सती को ने बेटी है, पर बेटी जमाई को भी नहीं बुलाया। क्यों, क्योंकि एक बार अनजान में शिव से दक्ष का अपमान हो गया था, इसलिए नहीं बुलाया। देवता लोग जा रहे हैं दक्ष के यज्ञ में सम्मिलित होने, आकाश मार्ग से देवताओं को आपस में बातें करते सुन के सची ने भोलेनाथ से प्रश्न किया कि बाबा ये लोग कहां जा रहे हैं, देवता क्या बातें कर रहे हैं। शंकर मन ही मन हंसे कि हम जो कह रहे हैं वो तो आप सुन नहीं रही हो, और ये जो देवता लोग जा रहे हैं उनकी बातें तुम्हें सुनाई दे दी। ये समझने की बात है महाराज, विशेष रूप से माताओं को, घर के जो लोग कहें उनकी बातें न सुन के जो बाहर के लोगों की बातें सुनते हैं ना, उनका घर महाराज बिगड़ जाता है, उनका घर टूट जाता, रहता नहीं है। चाहे वो सती जैसी सामर्थ्यवान भी, पतिव्रत नारी भी क्यों न हो,
बाहर के लोगों की बातें सुनिए, ऐसा नहीं कि नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि सुनना चाहिए पर महाराज ज्यादा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि बाहर जो बातें, बाहर के जो लोग हैं, बाहर जो बातें चलती है ना, उसके अंदर ये मंथरा घूमती रहती है, ध्यान रखिएगा। वो मरी नहीं है, सब मर गए थे, सबको मारा मेरे राम जी ने, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, लखन ने मेघनाथ को मारा, सब असुरों का नाश किया, पर हमने कहीं अभी तक कोई शास्त्र में नहीं पढ़ा कि मंथरा को किसी ने मार दिया। वो तो महाराज संकेत भी नहीं गई, बैठी है, घूम रही है, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर पांच घर के इधर उधर आस पड़ोस में, जब कभी मौका मिला जय श्री आराम। इसलिए बाहर के लोगों की सुने पर महाराज ज्यादा नहीं। शिव ने सोचा हम जो कह रहे हैं सुन रही रही है, वो देवता कह रहे हैं जो सुन रही है, पुनः कहा बाबा ये क्या कह रहे हैं, देवता कहां जा रहे हैं? शिव ने कहा ये देवता लोग आपके पिता के यहां जा रहे हैं, वहां यज्ञ है, उस यज्ञ में सम्मिलित होने। जैसे ही भोलेनाथ ने ये कहा, सती ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी, महाराज पिता भवन उत्सव परम के जो प्रभु आयसु देव, तो मैं जावो कृपायतन सादर देखन सो। मेरे पिता के यहां यज्ञ है, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उसमें सम्मिलित होने जाऊं। शिव ने कहा आप जा सकती हो, पर अगर आप हमसे पूछती हो तो हमारा तो उत्तर यह है, कहू नीक मो रे मनुभावा, यह अनुचित निह निवत पठावा, अगर आप मेरी बात सुनती हो, मेरे मन को अगर जानती हो, मेरे मन के भाव को सुनना चाहती हो, तो हम तो आपको यह कहते हैं कि बिना निमंत्रण आपको नहीं जाना चाहिए, आपको बुलाया नहीं है। दक्ष सकल निज सुतव बुलाई, दक्ष सकल निज सुतव बुलाई, हे देवी दक्ष ने अपनी सब बेटियों को बुलाया है, पर आपको क्यों नहीं बुलाया, आपको मालूम है? सती ने कहा नहीं, तो शंकर कहने लगे हमरे बयर तुम बिसुराए, हमने चाह के आपके पिता का कभी अपमान नहीं किया, लेकिन अनजान में हमसे अपमान हो गया और वो हमसे वैर भाव रखते हैं, इसलिए हमारे पीछे तुम्हें बुलाया नहीं है। हमरे बयर तुम बेसुरा, जो बिनु बोले दाऊ भवानी, तेरहीन सील रहीन सील तने उनकाने, अगर आप बिन बुलाए जाओगी तो आपका वहां सम्मान नहीं होगा, मेरी बात मानो तो आप ना जाओ,
सती ने कहा महाराज पिता के यहां बेटी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। शिव ने कहा बिल्कुल सही कह रही हो सती। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे हार जावहु बिनु ही बुलाहि न संदेहा मित्र के यहां पिता के यहां गुरु के यहां और भगवान के मंदिर में यहां बुलाने की जरूरत नहीं है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जावहु बिनु ही बुलाहि न संदेहा यहां बिना बुलाए आप जा सकते हो कोई संदेह नहीं है। पर एक बात है सती तदपि विरोधी मन जा कोई तदपि विरोधी मन जा कोई ताहां गए कल ज्ञान हो अगर यहां जाने पे भी अगर कोई हमारा विरोध करे तो वहां कभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां जाने से कल्याण नहीं होगा। हमसे आपने पूछा हमने आपको अपनी राय बता दी मत जाइए। तुलसी बाबा ने लिख दिया भांति अनेक शंभु समुझावा भगवान शंकर ने अनेक प्रकार से सती को समझाया पर सती के शंकर की बात समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई इसका कारण और था। क्यों नहीं आई तो तुलसी जी कहते हैं भावी बस उरे ज्ञान ने आवा भावी के कारण ज्ञान नहीं आया। ये भावी क्या है ये भावी महाराज वही जो सती ने प्रार्थना की थी कि जो हरि दीन दयाल कहावा आरती हरन वेद जस गावा तो मैं विनय करहु करी जोरी छूट ही बेगी देह यह मोरी। ये महाराज भावी बन गई यहां पे। सती की प्रार्थना मेरे प्रभु ने स्वीकार कर ली इसलिए आज सती के समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि नहीं जाएगी तो शरीर छूटेगा नहीं शरीर नहीं छूटेगा तो शिव कैसे मिलेंगे। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं भावी बस उड़ जान सती के मन में ज्ञान नहीं आया और कहा मैं तो जाऊंगी। जब ज्यादा जिद की तो कुछ गणों को साथ में दिया और विदा किया है। सती पिता के यहां आई है। तुलसी बाबा बोले पिता भवन जब गई भवानी के दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के त्रास से दक्ष के डर से किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। सादर भले मिली एक माता के भगनी मिली बहुत मुस्काता। एक प्रेम से मां जरूर मिली बाकी जो भी मिले हंस के निकल गए पास मुंह को घुमा के। सती घूमते घूमते यज्ञशाला में गई है। यज्ञशाला को जाके देखा तो सबका यज्ञ भाग है
लेकिन शंकर का यज्ञ भाग नहीं है। तुलसी बाबा ने यहां एक बड़ा सुंदर लिख दिया। देखिए जब कोई शास्त्र लिखा जाता है तो उसमें कथा के साथ साथ में वर्तमान संदर्भ भी लिखा जाता है। जो तुलसी जी ने लिखा था 400 वर्ष पहले, उस समय जो वर्तमान स्थिति थी वह आज नहीं है। और ये न होने से गड़बड़ भी है काफी। या सती को बड़ा दुख हुआ शंकर का स्थान न देख के, तुलसी जी ने लिख दिया जदपि जगदारुण दुख नाना के सबते कठिन जाति अपमाना। संसार में ऐसे तो बहुत से दुख हैं, पर जाति अपमान सबसे बड़ा दुख है। तो तुलसी जी ने लिखा वो उस समय के अनुकूल। सती विचार करने लगी वापस जाऊंगी, शंकर हमें पूछेंगे कि आप यज्ञ में सम्मिलित होके आइए, यज्ञ का क्या हाल है, तो हम ये कहेंगे कि उस यज्ञ में तो आपका स्थान भी नहीं है। तो जिस जगह पति का इतना अपमान हो वहां पत्नी को ठहरना चाहिए? कैसे, क्या करें? और उसी समय निर्णय लिया सबको आवाज लगा के, हे सभासदों, या जो जो लोग उपस्थित हैं, जिस जिसने शिव की निंदा की और जो जो निंदा में सम्मिलित हुआ, सब दंड के अधिकारी हैं। क्योंकि माता पिता गुरु और हरि और हर की अगर कोई निंदा करें, बस इताश जीव कटाई श्रवण मूंद नत चलहूं पराई, अगर बस चले तो जीव को काट दो, नहीं तो कान के ऊपर हाथ रख के वहां से चले चलो, उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यहां हर की निंदा हुई, शंकर की निंदा हुई, और जो जो निंदा में सम्मिलित हुए सभी दंड के अधिकारी हैं। दंड के अधिकारी मेरे पिता भी हैं और उनके शुक्र से मेरा प्रागट्य है, तो मैं भी हूं। ऐसा कहके योग अग्नि के द्वारा सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। जैसे ही सती ने शरीर त्यागा, सती मरत शंभुगण करण लगई मक की। वो जो शंकर जी के गण साथ में आए थे वो यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगु रक्षा की न मुनि, भृगु जी महाराज ने रक्षा की वहां। तुलसी जी ने मानस में इतना ही लिखा है, इस चरित्र को इतना संक्षिप्त में ही लिखा है, लेकिन इसको विस्तार से जानना हो तो शिव पुराण पढ़ें, उसमें कथा है। नारद जी ने बाद में जाके शंकर जी को सती के मरने की सूचना दी। शिव ने क्रोध किया, वीरभद्र नाम का गण भेजा, दक्ष का सर काटा, और बाद में सब देवताओं ने स्तुति की, शंकर प्रसन्न हुए, पुनः दक्ष को बकरे का सर लगा के जीवन दिया। सती के शव को लेके कई वर्षों तक घूमते, ये सब शिव पुराण में कथा है। यहां इस चरित्र को इतना ही लिखा। पर जब सती ने शरीर त्यागा तब मेरे प्रभु से प्रार्थना की, शरीर त्यागते समय हरि को याद किया। क्या कहा? सती शरीर को त्यागते समय मेरे हरि से कहा कि जहां पे भी मेरा जन्म हो शिव मुझे पति रूप में मिले। इसलिए उस शरीर को त्याग के हिमाचल जी के यहां दूसरा जन्म लिया, पार्वती के रूप में। जिस दिन से पार्वती का जन्म हुआ हिमाचल जी के यहां, हिमाचल जी की तो महाराज दशा ही बदल गई। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, बेमौसम के आम गर्मी में होता है लेकिन सर्दी में भी हो रहे हैं, पेड़ फलों से लदे हुए हैं, लोग खदान खोदने जाते हैं मिट्टी के लिए, पर मिट्टी के साथ में हीरे पन्ने माणक के मोती निकल रहे हैं। वैभवता का तो महाराज कहें क्या, ऋषि मुनि साधु संत का आकर्षण का केंद्र बन गया, सबके सब हिमालय की तरफ जा रहे हैं और हिमवान सबको यथा योग्य उचित स्थान दे रहे हैं। ये समाचार नारद जी को मिला कि हिमाचल जी के घर बेटी का जन्म हुआ, उसके बाद में हिमाचल जी की तो दशा ही बदल गई। नारद ने सोचा ऐसी कौन विभूति आई है जाके कम से कम पता तो करें, और नारद जी हिमवान के यहां आए हैं। राजा रानी दोनों ने नारद जी के चरणों को पकारा, आसन दिया है, जलपान करवाया, और उसी समय पार्वती सखी के साथ में आई। राजा ने हाथ जोड़ के
मुनि से कहा, देव आप त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले हैं, आप यहां मेरे घर आए हैं तो एक आपसे निवेदन है। ये मेरी बेटी है, एक तो इसका नामकरण करिए। ब्राह्मण के द्वारा नामकरण होता है, आप आए हैं तो अब इसका नामकरण करिए और इसका हाथ देख के बताइए कि इसका भविष्य कैसा होगा, इसको कैसा पति कैसा घर मिलेगा कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने उमा को देखा, तुलसी बाबा बोले, कह मुनि बिहसी गुड़ मधुबानी, नारद हसे, बीएससी का मतलब है हंसना, और रहस्यमय गुड वाणी बोले, कहने लगे, हे राजन सुता तुम्हारी सकल गुण खाने, सुता वो तुम्हारी सकल गुण खाने, ये आपकी बेटी सब गुणों में परिपूर्ण है। इसके क्या गुण हैं? तो नारद जी कहने लगे, सुंदर सहज सुशील सयानी, ये सबसे श्रेष्ठ सुंदर हैं, सुशील हैं, सहज हैं और सयानी यानी समझदार है। पर हे राजन आपने नामकरण का कहा ना, तो इसका एक नाम नहीं होगा, नाम है उमा अंबिका भवानी। इसका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा, अनेकों नाम से आपकी बेटी संसार में जानी जाएगी। अब और ध्यान से सुनो, ये तो इनके स्वयं के गुण हैं, पर ये संसार में जानी जाएगी नहीं, संसार में पूजी और जाएगी। हे राजन हो यही पूज सकल जग माही, हो यही पूज कछु दूरी लविनाई, ये पूरे संसार में पूज्य होगी और इसकी जो पूजा करेगा ना उसके लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। पर एक बात और कहें राजन, ऐसे तो पूरा संसार आपकी बेटी का पूजन करेगा, पर विशेष रूप से आपकी बेटी की पूजा कौन करेगा? हिमाचल जी ने कहा, महाराज कौन करेगा? नारद जी कहने लगे, हो यही यही करे नाम सुमरि संसारा, त्रिय चढ़ही पति प्रत्यय असधारा,
ऐसे तो आपकी बेटी का नाम पूरा संसार जपेगा, लेकिन विशेष रूप से आपकी बेटी की पूजा नारी वर्ग करेगी। और माताएं करती हैं, कब करती हैं? चैत्र मास में 16 दिन की पूजा होती है। चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया से लेके चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया तक, जैसे राजस्थान में उधर हमारे जोधपुर में तो कहते हैं गवर तीज, आज जो गौरा तीज होती है ना चैत वाली, वो गवर तीज की पूजा एक दिन का व्रत नहीं होता, ये 16 दिन की पूजा होती है। जो विवाहिता करती है उसका सुहाग अचल रहता है, और जो कुंवारी करती है तो उसे योग्य वर मिलता है। पूरा संसार आपकी बेटी का पूजन करेगा, नारी वर्ग विशेष रूप से करेगी। पर एक बात कहें राजन, जहां गुण होते हैं ना वहां दो चार अवगुण भी होते हैं। आपके बेटी के गुणों को तो हमने कह दिया, पर अब दो चार अवगुण है वो भी सुन लो। हिमाचल जी ने कहा महाराज कहिए। नारद जी कहने लगे, अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन संशय सब छीना जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश अस स्वामी एकह मिलई परिहस्त अशरेख। अगुण होगा जो सब गुणों से परे, अमान होगा यानी जो मान रहित होगा, जिसके माता पिता नहीं होंगे, जो उदासीन होगा सब इच्छाओं से रहित होगा, जीवन में कोई किसी प्रकार के संशय नहीं होंगे, जो जोगी होगा जिसको समझना बड़ा जटिल होगा, जो नग्न रहता कभी वस्त्र नहीं पहनता है, अमंगल वेश को जो धरने वाला होगा, ऐसा पति आपकी बेटी को मिलेगा। आपके बेटी के हाथ की रेखा ऐसी है। अब महाराज बताओ पीछे के गुणों को क्या आचार करें? माता पिता है नहीं, अब मकान का क्या करें? जो आदमी कपड़े पहनेगा तो उसको अटैची चाहिए, तो कमरा चाहिए। अब कपड़े ही ना पहने तो फिर महाराज कमरे की कहां जरूरत है? और उदासीन यानी जो भोजन नहीं करता तो उसको रसोई की कहां जरूरत है? अब बताइए, कुछ भी नहीं है ऐसा पति। तीनों के आंख में आंसू हैं, मैना जी के आंख में आंसू हैं, हिमवान के आंख में आंसू हैं, और पार्वती जी के आंख में भी आंसू हैं, पर स्थिति बिलग है महाराज। मैना जी के और हिमाचल जी के आंख में आंसू इसलिए है कि हमारी बेटी इतनी सुंदर कोमलांग, और हमारी बेटी को ऐसा पति मिलेगा। बेटी के भविष्य से चिंतित होके माता पिता के आंख में आंसू आए, पर उमा के आंख में आंसू इसलिए आए कि ये जो दूल्हे का गुणों का वर्णन किया है, ये सब तो गुण भोलेनाथ में है, यानी शंकर मिलेगी तो जरूर, पर कैसे मिलेगी? खुशी की आस। नारद भी समझे नहीं। उमा सखी के साथ में निकल गई वहां से। पति पत्नी ने हाथ जोड़े। हिमाचल जी ने कहा, देव आप तो संत हैं, और संत हमेशा जीवों का कल्याण करते हैं, मेरी बेटी को वास्तव में ऐसा ही पति मिलेगा, कोई उपाय है? हम पूछते हैं कि इसका कोई उपाय? हिमाचल जी ने यही कहा, महाराज कोई उपाय? नारद जी ने कहा कोई उपाय नहीं। कह मुनि सुनो हिमवंत, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को उन मेटन हार। इसको कोई नहीं मिटा सकता। तो महाराज हमारी बेटी को वास्तव में ऐसा पति मिलेगा, कोई तो उपाय होगा? नारद जी ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? नारद जी कहने लगे, एक उपाय है राजन, हमने जो दुल्हा के दोष बताए आपको, वह सब दोष हमको शंकर में दिखते हैं।
अगर आपकी बेटी का विवाह शंकर के साथ में हो जाए तो ये जो दोष है ना वो गुणों में बदल जाएंगे। कैसे कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ कौन है जिसमें कोई दोष नहीं वही सामर्थ है, ध्यान रखिएगा। रवि पावक सुर सूरी की नाही, जैसे सूर्य अग्नि और गंगा, गंगा में कितना भी नाले इत्यादि आके मिल जाते हैं लेकिन फिर भी गंगा का जल पावन है। हम ऐसे तो पीने के लिए आरओ का महाराज पानी पीते हैं, घरों में लगा रखा है शुद्ध जल के लिए, लेकिन जब कभी घर में कोई अशुद्धिकरण हो, कोई पूजन हो, तो क्या आप आरओ का जल काम लेते हैं? गंगा जल, जोर से बोलिए गंगा जल, उस समय वो नहीं लेंगे, क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जैसे एक धनी सेठ का छोटा पोता घर के द्वार के बाहर एक कटोरी में चने लेके खाता हो और कोई आदमी वहां से निकले तो उस बच्चे को देख के क्या कहेगा, अरे ये तो महाराज नगर सेठ का पोता है, ये तो बादामे खाए तो भी इसके यहाँ कोई कमी है, बादामों की बोरिये मिल लग जाए इनके लिए तो, पर देखिए शौक से चने खा रहा है। और अगर एक कोई झुंगी झोपड़ी के अंदर नंगे बदन बालक अगर खड़ा कटोरी में चने खा रहा है तो पास से निकलने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, बेचारा गरीब आदमी है जो चने खा के पेट भर रहा, चने वह भी खा रहा है, चने वह भी खा रहा है, समरथ को नहीं दोष गोसाई महाराज। वो सक्षम है, वो सक्षम नहीं है। हिमाचल जी ने कहा, महाराज फिर आप घूमते ही रहते हो, ये आप ही के सुप्रत है जुम्मे काम, आप ही हमारी बेटी का रिश्ता करवा दीजिए। नारद जी हंसने लगे, राजन ये ऐसे नहीं होगा, तो अगर आपकी बेटी को शिव से विवाह करना है तो आपकी बेटी को काम करना पड़ेगा। राजा ने कहा क्या करना पड़ेगा? नारद जी कहने लगे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर आपकी बेटी तपस्या करें, शंकर को प्रसन्न करें, तो हो सकता है शिव भावी को मिटा दें। बाकी हे राजन, वर तो संसार में अनेकों अनेक हैं, पर आपकी बेटी के लिए शिव को छोड़ के हमें कोई और दिखता नहीं, आपका कल्याण हो, ऐसा कह के महाराज नारद जी तो चले। अब जैसे ही नारद जी गए एकांत पाके, मैना कहने लगी अपने पति से, महाराज मुझे मुनि की बात कुछ समझ में नहीं आई, अगर कोई योग्य घर वर मिलेगा तो बेटी का विवाह करेंगे, न तो कोई करना जरूरी है, न तो कन्या बरु रहूं कुमारी, कंत उमा मम प्राणते प्यारी। मां के मन के भाव को उमा ने जान लिया और कहने लगी, मां एक बात कहूं आपसे? मैना जी ने कहा, कहो बेटा। मां मैंने एक रात को सपना देखा, और उस स्वप्न में हमने क्या देखा, क्या देखा, एक ब्राह्मण देव आए मेरे स्वप्न में और उन्होंने मुझे बड़ा सुंदर उपदेश दिया। पार्वती जी कहने लगी, सुनो मां तुम्हें दीख अस कि सपन सुनावहु तो, कि सुंदर गोर सुबि प्रभर अस उपदेश। सुंदर गौर वर्ण एक ब्राह्मण देव आए और उन्होंने मुझे ऐसा उपदेश दिया, उन्होंने कहा कि हे राजकुमारी। नारद जी ने कहा, वो अक्षर सत्य हैं, आपको ऐसा ही वर मिलेगा तो आपको आपके योग्य वर प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। मां मैंने उन ब्राह्मण देव से पूछा कि तपस्या करने से क्या होता है और किस किस ने तपस्या कर करके क्या पाया। उमा कहने लगी, मां उन ब्राह्मण देव ने हमसे कहा कि हे राजकुमारी, तप के बल से ही तो ब्रह्मा इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तप के बल से ही विष्णु पालन करते हैं,
और तप के बल से ही शंकर इस संसार का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष इस पृथ्वी को सर के ऊपर धारण करते हैं। ये जो पूरा संसार है तप के आधार पे ही है, इसलिए आप जाके तप करो, तप करने से ही आपका कल्याण होगा। मां मुझे उन ब्राह्मण देव की बात बहुत प्रिय लगी, बहुत अच्छी लगी, मैं तप करने जाऊं? मैना जी ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाओ तो फिर तप करने जाएगी। अभी मेरा मन है, कौन उमा कह रही है तप करने का, कल को मां बड़ी हूं और मेरा विचार बदल गया तो मैं तो अभी ही जाऊंगी। खूब समझाया पर नहीं मानी। वेदशिरा नाम के महात्मा ने आके परिवार के लोगों को उमा के बारे में बताया और सब परिवार के लोगों से विदा लेके उमा तप करने को आई है। कुछ दिन महाराज भोजन नहीं किया, कुछ दिन पानी भी नहीं पिया, कठोर व्रत किए। 3000 वर्ष तक जो बेल पत्र के पत्ते सुख के नीचे गिरते हैं उन पत्तों को खाया, शरीर महाराज पत्ते के समान सुख गया और उमा का नाम उस दिन से अपर्णा पड़ा है। ऐसा कठोर तप किया कि आकाशवाणी हुई, भयहु सुफल मनोरथ सुन गिरिराज कुमारी, परिहरि दुसह कलेश सब अब मिलहिं त्रिपुरा। हे उमा, आपके सब मनोरथ पूरे होंगे, इस कलेशों को निटाइए, घर जाइए, आपको शिव पति रूप में मिलेंगे। क्योंकि हे पार्वती, काहू ने असतप कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। आज तक ऐसा तप किसी ने नहीं किया, अनेकों अनेक धीर मुनि हुए, फिर भी अगर आपको हमारी वाणी का विश्वास न हो तो सप्त ऋषि मिले तब आप प्रमाण समझिए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहने लगी, मुनि ये कथा हमने आपको सुनाई, सती ने शरीर त्यागा, पार्वती के रूप में जन्म लिया, पार्वती ने शिव को पाने के लिए तप किया और हम आपको उस तरफ ले जा रहे हैं, सती के शरीर त्यागने के बाद में शंकर की क्या दशा हुई? जिस दिन से सती ने शरीर त्यागा, भगवान शंकर के मन में वैराग्य हो गया, शिव सती के शव को लेके कई वर्ष तक घूमे और जहां जहां सती के शव के अंग गिरे हैं आज वहां हमारा सब शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। योगी है भोगी नहीं है, लेकिन भक्त के दुख में दुखी है महाराज। जहां कहीं जाते हैं, कोई कथा सुनाने वाला है तो सुनने बैठ जाते हैं, हर क्षण राम नाम जपे जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत समय बीता, ज्यादा निरंतर सुमिरन करते करते प्रीति हुई, प्रीति अति बढ़ गई, नित नए हो ये राम पद प्रीति, नेम प्रेम शंकर कर देखा अविचल। अविचल यानी सतत, हमेशा। हम लोग क्या कहते हैं मालूम, सुबह उठ के नहा धो के पूजा के मंदिर में, यानी आपके घर में जो पूजा का स्थान है, पूजा घर पे जाके अगरबत्ती दीपक लगा के घंटी बजा देते हैं और कहते हैं अरे भगवान को याद कर लिया, यही कहते हैं ना? बोली यही कहते हो भाई, भगवान को याद कर लिया। एक बात ध्यान रखिएगा महाराज, भगवान को कभी याद नहीं करना चाहिए। आप कहोगे महाराज ये कैसे कह रहे हो आप, याद उसे किया जाता है जिसे हम भूल जाते हैं। मेरा परमात्मा मेरा हरि भूलने जैसा नहीं है, उसे तो याद क्या करें, उसे तो एक क्षण को भी नहीं भूलना चाहिए महाराज। मीराबाई ने यही तो कहा, महाराज जन्म मरण रा साथी, साथी था ने बिसरो नहीं दिन राती। अरे मारा जन्म मरण रा साथी, साथी थाने बिसरू नहीं दिन राती।
जन्म और मृत्यु का साथी कौन है? मेरा हरि है, मेरा परमात्मा है, उसे तो एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए। अविचल यानी लगातार सतत, इसे ही अविचल कहते हैं। शंकर हर क्षण हरि जपते हैं। राम जी प्रकट हुए, शंकर की सराहना की। शिव ने कहा, देव आज आपने दर्शन दिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए? मेरे प्रभु कहने लगे, भोलेनाथ ऐसे तो हमें जब कोई बुलाता है तब हम जाते हैं, पर आज हम अपनी गर्ज से आए हैं, हम आपसे निवेदन करने आए, आज्ञा दीजिए। कहा, आज्ञा नहीं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। सती ने शरीर त्यागा, पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया और पार्वती ने आपको पति रूप में पाने के लिए तप किया और हमने प्रसन्न होकर उमा को वर दिया कि शिव आपको पति रूप में मिलेंगे, तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि आप पार्वती को स्वीकार करें। शिव ने कहा, महाराज बढ़िया से आपका भजन कर रहा हूं, अब विवाह करना जरूरी है, क्यों इस बंधन में डाल रहे हो? मेरे प्रभु ने कहा, भोलेनाथ ये उमा हम आपको तो दे रहे हैं, आपको कह रहे हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही तो हम आपको कह रहे हैं कि आप इनको स्वीकार करें। पार्वती के रूप में हम आपको अपनी नौदा भक्ति दे रहे हैं, आप स्वीकार कीजिए। शिव ने कहा, देव इच्छा तो नहीं है, पर महाराज सिर धरी आय सुन करहूं तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। आपकी आज्ञा को मैं शिरोधार्य करूंगा, क्योंकि मेरा धर्म है, सेवक का धर्म होता है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। और देव शास्त्र वेद कुछ और कहते हैं कि मात पिता प्रभु गुरु के बानी बिन ही विचारे करई शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को बिना विचार किए शुभ समझ के करना चाहिए। इसलिए महाराज मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। राम जी ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप मेरी बात को सर पे धारण न करें। शिव ने कहा, क्यों? मेरे प्रभु कहने लगे, आपके सर से गंगा बहती है, क्या पता हमारी बात बह के कहां जाएगी। हरिद्वार रुके, इलाहाबाद रुके, या क्या पता गंगा सागर में जाके मिल जाए, तो ढूंढनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आप तो हमारी बात को हृदय में धारण करें, क्योंकि आप हृदय में हमारा ध्यान करते हैं तो आपको हमारी बात भी ध्यान में रहेगी। राम जी अंतर ध्यान हुए, उसी समय सप्तऋषि आए। शिव ने सप्तऋषियों से कहा कि आप जाके पार्वती की परीक्षा लें, पार्वती की प्रेम परीक्षा लें। सप्तऋषि उमा के पास आए हैं, पार्वती जी बैठी हैं। तुलसी बाबा ने लिख दिया कि ऋषि ने उमा तहा देखी कैसी के मूर्ति मंदे तपस्या जैसी। जैसे कोई महाराज मूर्ति रखी हुई हो। सप्तऋषियों ने कहा, का अवराधौ का तुम चहू, हे राजकुमारी तुम किसकी आराधना कर रही हो और तुम्हें क्या चाहिए, आप हमें अपने मर्म की बात बताओ। उमा ने कहा, महाराज हम आपको अगर हमारी बात बताएंगे तो आप हम पे हंसेंगे, हम बिना पंख उड़ना चाहती हैं। देखिए हमारा कितना अविवेक है। ऋषियों ने कहा, हम समझे नहीं। उमा ने कहा, हम शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं। सप्तऋषियों ने कहा, यह सलाह आपको किसने दी कि शिव से विवाह करना चाहिए, ऐसा कौन गुरु मिला? पार्वती जी ने कहा, हमें नारद जी ने कहा। ओ यहां आ गई, आप नारद के बारे में कुछ जानती हो? पार्वती जी ने कहा, वो हमारे गुरु हैं। अरे गुरु है पर उनके बारे में कुछ जानती हो? वो संत है, ऋषि है। सप्तऋषियों ने कहा, उसके पीछे भी एक बात और है। आप नारद की सलाह लेके
नारद की बात को मान के अपना घर बसाने जा रही हो? नारद की सलाह लेने से घर बसता नहीं है। सप्तऋषि कहने लगे, नारद सिख जे सुनी नर नारे, अवश्य होई अतजि भवन भिखारे, नारद सिख सुनी नर नारी, अवश्य हो मन कपति तन सजन जीना, हे आपु सरी स आपु सरी स सब राजकुमारी, आज तक जिसने नारद की शिक्षा सुनी उनके घर बसे नहीं, हां बसे हुए घर उजड़े जरूर है। मन तो तन तो ऊपर साधु का है, वस्त्र तो साधु के पहने हुए, पर जो अंदर से मन है वो कुटिलता से पूरा भरा हुआ है। जो कोई भी मिलता है अपना जैसा बना देते हैं। अरे शंकर को किस रूप में आप देख के पसंद किए हैं? क्या देखा शंकर में? आप जानती है शंकर के बारे में? अरे उसके घर बार नहीं है, घर नहीं है, पार्वती जी ने कहा तो बहुत बढ़िया है ना। सप्तऋषि ने कहा बढ़िया क्या? हां झाड़ू पोछे करने की जरूरत नहीं। अरे वो वस्त्र नहीं पहनता? उमा ने कहा तो और ही बढ़िया, एक अपनी साड़ी धोनी पड़ेगी बस। अरे वो भीख मांग के खाता है? पार्वती जी ने कहा और ही बढ़िया, भीख मांगने जाएगा दो रोटी हमरी भी साथ ले आएगा। अब इसे बढ़िया दूल्हा कहां मिलेगा बताइए? माताओं के तीन ही तो काम होते हैं घर के, झाड़ू पोछे बर्तन रोटी और कपड़े। घर नहीं, झाड़ू पोछे लगाने की जरूरत नहीं, कपड़े धोने की जरूरत नहीं और भोजन बनाने की जरूरत नहीं। महाराज इससे बढ़िया ससुराल क्या होता? अरे वो निर्लज हैं, आपके योग्य नहीं है। आपके योग्य वर हम बताते हैं, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी लक्ष्मीपति हरि बैकुंठ निवासी, वो आपके योग्य है। उमा ने कहा महाराज हम आपसे ये तो नहीं पूछें कि हमारे लिए योग्य कौन है अयोग्य कौन है। चाहे विष्णु सर्वगुण संपन्न है और शंकर अवगुण की खान है, पर महाराज जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी क्षण काम है। हम हिमालय की बेटी, हिमवान पाषाण पत्थर है, पत्थर टूट जाता है पर महाराज मुड़ता नहीं है। हमारा जो संकल्प है हम टूट जाएगी पर हमारा संकल्प कभी बदलेगा नहीं। और तो और महाराज हमारी बात को आप ध्यान से सुन ले। उमा कहने लगी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं सांबो न तरहूं उन्हें ना।
सत बारे कही महेश्वर। पार्वती जी कहने लगी, महाराज आप तो एक इस जन्म का छोड़िए, करोड़ों जन्म भी बीत जाए, विवाह करूंगी तो शंकर से, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। अगर शंकर स्वयं आके हमें कह देना कि हम आपसे विवाह नहीं करेंगे, फिर भी हम नारद जी के वचनों को नहीं त्यागेगी। जिनको अपने गुरु के वचनों का विश्वास नहीं होता, उनको सपने में भी सुख और संपत्ति नहीं मिलती। अब आपको कुछ और कहना है तो देख लो। जैसे ही उमा ने यह कहा, देखा प्रेम पार्वती जी कहने लगी, महाराज हमने आपको अपनी बात बता दी, अब एक काम कीजिए, क्यों यहां खड़े हो? आपको हम चरण पकड़ के प्रार्थना करते हैं। मैं पाप रही कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हो विलंबा। जगदम्बे भवानी, जय 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 जगदम्बे भवानी, मैं पाप रही कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हो विलंबा। आपको प्रणाम करते हूं, आप घर जाइए, आपको विलंब होगा मुनिवर, मुझे मत समझाइए। जैसे ही उमा ने यह कहा, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, कहा हे जगदम्बे, जय हो भवानी आपकी, जय हो जय हो जय हो, आप जगत की माता हैं, भगवान शंकर जगत के पिता हैं। जय जयकार करते हुए सप्तऋषि महाराज हिमाचल जी के पास में आई, हिमवान से कहा आप उमा को ले आइए। हिमवान आई, पार्वती जी को लेके गई। सप्तऋषियों ने आके भगवान शंकर को उमा के प्रेम की कथा सुनाई, उमा के अनन्य प्रेम को सुना। शंकर इतने भाव विभोर हुए कि भाव में आते ही समाधि लग गई। याज्ञवल्क जी ने भारद्वाज जी से कहा, महाराज फिर विवाह? कि विवाह तो हुआ, तो आप कह रहे हो कि शिव को समाधि लग गई। शंकर को समाधि लगी और उसी समय तारकासुर नाम का एक भयंकर दैत्य हुआ, जिसने सब लोग लोकपालों को जीत लिया, देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। देवता लोग दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए, जाके ब्रह्मा जी से कहा, देव हम बड़े दुखी हैं, इस असुर से हमें मुक्त करवाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, इसने वरदान ही ऐसा मांगा, इसने हमसे वर मांगा कि शंकर के शुक्र से उत्पन्न पुत्र से ही मेरी मृत्यु हो। देवताओं ने कहा, महाराज लो, आपने तो हमारा काम पक्का कर दिया, शंकर के तो ग्रस्त ही नहीं है, कैसे पुत्र होगा और कैसे हमारा कल्याण होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, दुखी मत हो, सती ने शरीर त्यागा, पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती ने तपस्या करके वर प्राप्त किया है, अब इतनी ही देर है कि शिव और उमा का विवाह हो। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, तो महाराज विवाह करवाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, किनका करवाएं? दोला राजा समाधि में बैठे हैं, तो महाराज समाधि कब खुलेगी? कहा, पिछली बार सती के वियोग में बैठे थे तब 87,000 वर्ष से खुली,
अब की बार तो पार्वती के प्रेम की कथा सुन के बैठे, क्या पता लाख से खुले कि सवा लाख से खुले, कौन जाने। देखिए दुख का एक दिन भी निकालना बड़ा मुश्किल होता है, सुख का तो पूरा जीवन चला जाता है। देवताओं ने कहा महाराज तब तो क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा एक उपाय है, आप सभी लोग मिलके कामदेव को प्रार्थना करें और काम से कहें कि वो जाके शंकर के मन में क्षोभ करें, शिव समाधि से जागृत हो और हम जाके सब शंकर को निवेदन करें और शिव उमा से विवाह करें। देवताओं ने कामदेव की प्रार्थना की, कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव के सन्मुख अपनी बात रखी। कामदेव ने जब ये सुना कि शंकर को समाधि से जागृत करना है यानी मृत्यु को स्वीकार करनी है, काम ने कहा देवताओं मुझे मालूम है कि शिव के विमुख जाना यानी मृत्यु को स्वीकार करना, फिर भी एक बात हम आपको कह दें। देवताओं ने कहा क्या, कामदेव कहने लगा तदपि करब में काज तुम्हारा, हमें मालूम है शिव के विमुख होते ही मृत्यु मिलेगी, फिर भी मैं आप लोगों का काम करूंगा। देवताओं ने कहा कैसे, तो कामदेव क्या कह रहा है, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो देई, संत संत प्रसन्न सहित संत संत प्रसन्न सहित अस कहीं चले नहाय सब माता, सुमन धनु सकर सहित सहाया, के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म परोपकार है, जो दूसरों के हित के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दें, हमेशा संत उनकी प्रशंसा करते हैं, मैं आप लोगों का काम करूंगा। ऐसा कह के हाथ में पुष्पों के धनुष बाण लेके कामदेव अपने सहायकों के साथ में चला। जैसे ही भूलोक पे आया है पूरा संसार काममय बन गया। यहां तुलसी बाबा ने एक बड़ा सुंदर सोरठा लिखा, उसकी एक अर्धाली एक पंक्ति लिख के कथा को रोक दी थी महाराज, पीछे की नीचे की हनुमान जी ने पूरी की, ऐसा सुना हमने संतों से। तुलसी जी ने लिखा, लिखते लिखते इतना भाव में बह गए। तुलसी बाबा ने लिखा धरहुं न कावहुं धीर, सबके मन मन सिजहरे, किसी ने धैर्य नहीं रखा जब कामदेव आया, पूरा संसार काममय बन गया। तो इसका मतलब कामदेव मेरे प्रभु से भी बड़ा हो गया। कथा को रोक दी। हनुमान जी ने कहा महाराज कथा कैसे रोकी, तुलसीदास जी ने कहा जोश जोश में थोड़ा ज्यादा छलांग लगा दी, लिख दिया गधर ही न काहूं धीर सबके मन मन सिज हरे, क्या करें आगे क्या लिखें। हनुमान जी ने कहा पूरा ही करना है, तुलसी जी ने कहा, हनुमान जी ने नीचे लिखा जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम, जिनको मेरे राम जी ने रखा वही उस काल में बचे, बाकी पूरा संसार काममय बन गया। कामदेव कैलाश पे गया है, अपनी काम कला को खींचा समेटा, शंकर को देखा एक बार कांपा,
फिर सोचा वापस जाऊंगा तो संसार में अपकीर्ति होगी, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अपनी काम कलाओं का विस्तार करने लगा। शीतल मंद सुगंध हवा बह रही है, देवांगना नृत्य कर रही है, गंधर्व गान कर रहे हैं। तुलसी जी ने लिखा, सकल कला करी कोटि विधि कि हारहुं सेन समीप के चले न या चल समाधि शिव हृदय। सब कलाएं की करोड़ों प्रकार से, लेकिन फिर भी शंकर जी की समाधि नहीं टूटी। तो आखिर में कुपित हुआ, क्रोधित हुआ, कैलाश के ऊपर जो आम का वृक्ष है उसके ऊपर जाके कामदेव बैठा, पत्तों की ओट में छुपा, हाथ में धनुष लिया है और बाण को लेके प्रतंचा को खींचा कान तक। निशाना कहां किया? भगवान शंकर का वक्ष स्थल। खींच के महाराज काम बाण छोड़ा है। जैसे ही काम बाण शंकर के लगा, तुलसी बाबा बोले, के छोड़े बिसी में भुसकी उरे लागे, झूठी समाज शंभु तब जागे। कामदेव ने काम बाण मारा, काम बाण जैसे ही भगवान शंकर के वक्ष स्थल में लगा, शिव का चित्त भीतर डोलने लगा। कौन जिसने समय से पहले हमारी समाधि में क्षोभ किया? आप खोली है, चारों तरफ भोलेनाथ देखने लगे, देवता आकाश में पाही माम पाही माम पाही माम कह रहे। कामदेव ने सोचा कि अगर हम नजर में नहीं आए, शंकर ने क्रोध करके तीसरा नेत्र खोल दिया तो समय से पहले प्रलय आ जाएगा और वह सब दोष हमें लगेगा। यह विचार करके कामदेव पत्तों की ओट से धीरे से बाहर निकला। सिर चारों तरफ देखते देखते जैसे ही आम को देखा, किशोरव पल्लव मदन बिलोका भयो कोप कंपन त्रिलोका, जो ही महाराज शिव ने क्रोध करके चारों तरफ देखा, पत्तों की ओट में कामदेव दिखा, अति क्रोध से तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जल के महाराज राख हो गए। चित्तवत काम भय हूं जरी छारा, चारों तरफ हाहाकार हो गया। देवता डरे, असुर लोग बड़े प्रसन्न हुए। पति की मृत्यु का सुन के विलाप करती हुई रति आई है। रति ने आके भोलेनाथ से कहा, हे आशुतोष, हे औढ़रदानी, मेरे पति ने तो जन कल्याणार्थ लोक हितार्थ ये दुशास किया है, बाकी वो आपसे विमुख नहीं हो सकते। उन्होंने तो देव हितार्थ ये दुशास किया, उन्हें क्षमा करें देव, उन्हें क्षमा करें। अभी देखिए क्रोध किया, काम को जला दिया, एक नारी के आंसुओं को देखा, शंकर द्रवित हो गए। इतना क्रोध था कि तीसरा नेत्र खुला, लेकिन रति के आंसुओं को देखते ही द्रवित हो गए। करुणा बहने लगी, कहने लगी,
अवते रति तव नाथ कर हो यही नाम अनं के बिनु वपु व्यापै सकल पुनि के सुन निज मिलन प्रसंग। आज के बाद में आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर पूरे संसार में व्याप्त होगा। इतना क्रोध और एकदम से दया, इसलिए महाराज संसार में किसी देव को भोला नहीं कहते। जैसे ही रति को वर दिया, शंकर को प्रश्न देखा और ब्रह्मा जी के साथ में सब देवता आए। शिव ने कहा आइए विरंची आइए, कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये सब देवता लोग कुछ आपसे कहने आए हैं। शिव ने कहा कहो क्या कहना है? ये देवता लोग कह रहे हैं कि स्वर्ग में काफी समय से कोई विवाह नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा तो बड़े ब्राह्मण आप ही हैं, लगन शोधीर करवाइए। ब्रह्मा जी कहें लगन किनका शोध है महाराज, कोई कुंवारा दुला ही तो नहीं है, किसका करें ब्याह, तो हमसे क्यों कह रहे हो? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब सबकी नजर में आप ही कुंवारे हो, आप अगर विवाह करें हम सभी आपके बरात में चलें, कुछ दिन मोद प्रमोद हो। भगवान शंकर मन ही मन में विचार करने लगे ये देवता लोग कितने होशियार हैं, सीधा सीधा नहीं कह रहे हैं कि आप विवाह करो, आपके पुत्र हो वो तारकासुर का नाश करें और हमारे उजड़े हुए घर वापस बस जाएं, नहीं अभी भी टेढ़े टेढ़े बोल रहे हैं। एक बार की तो शिव ने सोचा कि मना कर दें, फिर सोचा है मेरे प्रभु की आज्ञा का पालन तो करना ही है, विवाह तो करना ही है, अभी इनको मना करेंगे तो 15 रोज बाद पुनः बुलाना पड़ना पड़ेगा, कौन जाएगा बुलाने के लिए, आए हुए है तो हां कह ही दो बस। अब भैया सब लोग की इच्छा है तो बड़े इतने लोग आए तो सबको तो मना कैसे करें, आप सबकी इच्छा है तो ठीक है ब्याह कर लेंगे। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को भेजा हिमाचल जी के पास के जाइए और लगन लिखवा के ले आइए। सप्तऋषि लगन लिखवा के लाए हैं। अब देखिए विवाह की तैयारी होने लगी, देवता लोग अपने अपने वाहन तैयार कर रहे हैं, स्वयं का श्रृंगार कर रहे हैं। गणों ने भगवान शंकर जी से पूछा कि बाबा ये देवता लोग यहां क्या कर रहे हैं, ये श्रृंगार क्यों कर रहे हैं? शिव ने कहा विवाह है। गणों ने कहा महाराज किसका विवाह है? शंकर ने कहा मेरा विवाह है। गण कहने लगे विवाह आपका तैयार ये हो रहे हैं? शिव ने कहा भाई जिनको प्रशंसा चाहिए जिनको सम्मान चाहिए उनको तैयार होने रहो, हमको तो सम्मान की जरूरत नहीं है, और ये तैयार होंगे भी तो क्या करेंगे, दूल्हा तो हम ही हैं, हम ही रहेंगे ना, होने दो इनको। अरे नहीं नहीं महाराज आपका विवाह है, श्रृंगार ये करें तो आप भी दूल्हा जैसे तो दिखने चाहिए ना, आपको दूल्हा तो बनाए। शंकर जी ने कहा तो बनाए ना बनाए क्या फर्क पड़ता, नहीं नहीं दूल्हा बनाएंगे हम आपको। शिव ने कहा तो ठीक है बना दो। अब गण कहने लगे बनाएं कैसे कैसे, पगड़ी तो है नहीं, तो ऐसा करो ना महाराज मुकुट कहीं से उधार मांग लो। शंकर जी ने कहा नहीं भैया मांग के नहीं पहनना, क्या पता वहां जाए कह दे हमको वापस दो, तो जो घर में है उसी रूप में बना दो। अब घर में तो वहां कैलाश में क्या था महाराज, क्या बनाए? अब वो गण शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं, शंकर जी के गण कौन है भूत, अब जो पास में समान था उसी से श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ने काम को जलाया तब क्रोध हुआ तो जटाएं जो बिखर चुकी थी उस जटा का मुकुट बनाया, अपने दूल्हा के सर पे पगड़ी होती है ना वैसे, ऊपर नागराज को दो लपेटे लगा के ऐसे बिठा दिया, कान के अंदर छोटे छोटे व्याल सर्प उनको दो दो लपेटे लगा के मुंह बाहर रखा ताकि आंखें नगीनों की तरह चमाचम करती रहे। ये हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है। शिव शंभुगन कर श्रृंगारा जटा मुकट यही मोर सवारा, कानन कुंडल पहने व्याला तन विभूति से हरि थारा।
शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा जटा मुगट अहि मोर सवारा। मोर की गर्दन ऐसे होते हैं, ऐसे ऊपर नागराज को बिठा दिया, कान में कानन कंकन पहिने व्याला, कानों के अंदर और कंकन कहते हाथ को, यहां पे हाथ के कंगन के यहां पे दो दो सर्प लपेट दिए। तन भभूति शरीर पे भस्म लगाई और महाराज पट के हरि छारा, पट यानी कपड़े में वस्त्र में। क्या महाराज दूसरे के गांव जा रहे हो तो ऐसे ही जाओगे क्या? कमर के अंदर बाघमर लपेटा, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में डमरू है, गले में माला पहनाई, गुलाब की गेंदे की मोगरे की नहीं महाराज, खोपड़ियों की माला पहनाई, गरल कंठ उर नर सिर माला। अब बैठोगे किस पे? घोड़ा तो था नहीं। भोलेनाथ ने कहा ठीक है जिस पे बिठाओ बैठ जाएंगे। नंदी महाराज को बुलाया और कहा बैठ जाइए। शंकर नंदी पे बैठे पर महाराज सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। आहा, मुख है ना सिंह की तरफ नहीं पूंछ की तरफ किया। गणों ने कहा महाराज उल्टे कैसे बैठ रहे हो? शिव जी ने कहा आगे कौन चलेगा? गणों ने कहा दुल्हन राजा आप हो तो आगे तो आप ही चलोगे, और पीछे पीछे तो हम लोग चलेंगे। शंकर जी ने कहा तो ठीक है ना, आमने सामने मुंह रहेगा, बतिया करते जाएंगे, रास्ता लंबा है भाई। लेकिन इसका तात्विक अर्थ कुछ और है। बैल धर्म का प्रतिरूप है और जो धर्म की सवारी करता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है महाराज, जो जीवन में धर्म को धारण करता है। उल्टे बैठे हैं शंकर, त्रिशूल डमरू हाथ में है, शिव के उस रूप को देखा, देवताओं की पत्नियां हंसने लगी और कहने लगी शिव ही देख सुरतिय मुस्काई। भगवान शंकर को देख के देवताओं की पत्नियां हंसने लगी, क्या कह रही है? बरलायत दुल मिन जगमा, इस दुल्हन के लायक तो दुल्हन कहीं संसार में खोजने पे भी नहीं मिलेगी। देवता कहने लगे इस दुल्हन के साथ में हम जाएंगे तो हमारी इज्जत का कचरा थोड़ी ना करना। ब्रह्मा जी ने कहा धीरे बोलो, सुन लिया तो दुल्हा ही मना कर देगा तो बरात में किसकी जाओगे? जब मेरे हरि ने सुना तो विष्णु जी ने कहा सभी अपने समाज साथ बिलग बिलग होके चले। देवता अलग हो गए, अब शंकर जी उनके गण रहे। गणों ने कहा महाराज ये क्या हुआ? ये तो देवता अलग हो गए, फिर आप और हम तीन ही लोग रहेंगे। शिव ने कहा भैया जिनको सम्मान चाहिए उनको जाने दो, हम तो ठीक है ऐसे ही चल। नहीं, ये देवता लोग क्या समझते हैं, इनसे तो हम लोग ज्यादा हैं। और वास्तव में सही बात है, शंकर जी के गण कौन है? भूत। दुनिया में देवताओं से तो भूत ज्यादा है। बढ़िया कर्म करके जाने वाले तो कम होते हैं, गड़बड़ सड़बड़ ये ज्यादा होते हैं महाराज। हम अपने वालों को बुलाएंगे। शिव ने कहा रहने दो ना। नहीं नहीं महाराज, नहीं तो आप भी जाइए हम भी नहीं चलते। शंकर जी ने सोचा ये भी नहीं चलेंगे तो अकेला तो कैसे जाऊंगा। ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी है, बुलाओ। अब जैसे ही कहा शिव ने संगी भंगी को आदेश दिया, संगी भंगी ने मंत्र प्रेरणा से संसार के जितने ही भूत प्रेत पिशाच थे सबको आह्वान किया कि आइए हमारे आराध्य इष्ट का विवाह है, बारात में चलना, बताइए इससे बढ़िया कोई भोला हो सकता है? हमारे घर में लड़के का ब्याह होता है, भाई का ब्याह होता है, भतीजे का ब्याह होता है, हम कुंकू पत्री ले जाके महाराज निमंत्रण पत्र गजानन जी को देते हैं, देवी माँ को देते हैं, हनुमान जी को देते हैं, कोई हाथ खड़ा करके कहे किसी ने शमशान भूमि में जाके दाह दिया कि हमारे ब्याह में आइए आप, बोलिए। अरे थोड़ा हाँ ना तो कहो। नहीं कहा। अरे क्यों, वहां कोई दूसरे थोड़ी, हमारे वाले ही तो है ना। भगवान शंकर ने उन सबको बुलाया है, संसार के जितने ही भूत प्रेत हैं सबके सब आए हैं। तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, नाना वाहन नाना वेशा बीसे शिव समाज जिन देखा। आहा,
को मुख हीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद कर कोई बहु पद बाऊ। विपुल नयन को नयन वही ना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना महाराज। किसी की एक आंख नहीं, किसी के बीस बीस आंखें, कोई तंतु के समान, कोई रिष्ट पुष्ट। तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, कुत्ते का किसी के गधे का किसी के सियार का किसी के सूर का, अलग अलग उनके मुख हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, बहु दिन सप्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। उस जमात का कौन वर्णन कर सकता है। पूरे के पूरे भूत आए। अब एक बात हम आपसे ही पूछते हैं, आप ही कहिएगा। हमारे घर में निमंत्रण पत्र आए विवाह का और उसमें लिखा हुआ हो कि आपको सब परिवार आना है और कोई विशेष स्नेही के घर ब्याह है, तो क्या करेंगे महाराज? अकेले जाएंगे या घरवाली को लेके जाएंगे? बोलिए ना, मातो को का ना को लेके जाएंगे ना साथ में। अब शंकर जी के यहां से निमंत्रण गया है, भगवान भोलेनाथ का विवाह है, सब परिवार आना है, तो भूत अकेले थोड़ी आए, भूतणियों हाथ से आई है महाराज। और हम नहीं लिख रहे हैं, तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है, नाच गा वही। नाचना तो आदमी कर लेता है, लेकिन जो ब्याह में दुल्हन के लिए जो मंगल गीत गाती है वो नारी गाती है। अब महाराज भूतनिया आई है, आहा, शंकर जी को देख के कहती, अरे बनड़ो खूब बनियो बनड़ी को, बनड़ो खूब बनियो बनड़ी को, अज बाबा अरे दोलो खूब बनो दुल्हन को, दोलो खूब बनो दुल्हन को। दुल्हा कितना सुंदर बना है दुल्हन का, आप बताइए देखिए। और दुल्हा के सर पे तो पगड़ी, दुल्हा के सर पे तो पगड़ी, और दुल्हा के सर पे तो पगड़ी, और दुल्हा के सर पे तो पगड़ी। अरे शंभू पानी रे जटा जोते दोलो खूब बनो दोलो खूब बनो दुल्हन को, अजब बहार दोलो खूब बनो दुल्हन को, दोलो खूब बनो दुल्हन को। मंगल गीत गा रही है, यहां तुलसी जी ने लिख दिया, जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बरात बनी है। हिमाचल जी ने नगर को बड़ा सुंदर सजाया है, बेटी का विवाह है ना, इसलिए जैसे ही बरात नगर के पास आने लगी, अगवान लोग यानी स्वागत समिति एक गठित हुई बरात के स्वागत के लिए। सब युवान युवान युवकों ने सुंदर अपने को श्रृंगार किया है, घोड़ों की सुंदर जीनों को कसा, रथ तैयार किए और नगर से बाहर बारात की अगवानी के लिए खड़े हैं। जैसे ही बारात आई, सबसे पहले हमारे हरि यानी विष्णु जी की सवारी आई। विष्णु जी को देख के वो अगवान लोग नाचने लगे, आ हा 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 कितना सुंदर दूल्हा है। जैसे ही हमारे प्रभु पास आए, उन अगवान लोगों ने कहा, आप दुल्हा राजा हो? हरि ने कहा, नहीं, तो हम तो बराती हैं,
अब तो वो और नाचने लगे। जिस बारात में इतने सुंदर बराती तो फिर दूल्हा कितना सुंदर होगा। प्रभु ने कहा थोड़ा धैर्य रखो, बबू को पढ़न वालो है। हरि के बाद में ब्रह्मा, ब्रह्मा के बाद में इंद्र, वरुण, कुबेर, बृहस्पति सब देवता आए हैं। देवताओं के उस समाज को देख के पूरा महाराज अगवान लोगों का समूह आनंद में मग्न है। जैसे ही देवताओं का समाज निकला, भगवान शंकर के समाज को देखा, बिडरी चले बान सब भागे। वहां कौन रुकने वाला? शंकर जी के समाज को देखा, जिस घोड़े पे बैठ के खड़े थे ना, घोड़े के ऊपर घोड़े को घुमा इतना कहां समय, घोड़े को वहीं दुम, रथ को वहीं जा भाग। दौड़ते दौड़ते घर आए, घर आके माता पिता से कर जल्दी कर जल्दी, अरे हुआ, अरे हुआ क्या, दरवाजा बंद कर दे दरवाजा, अरे क्या हुआ दरवाजा बंद कर, अरे तो हुआ क्या, आप लोग तो अगवानी के लिए गए, तो क्या हुआ, दूल्हा पागल है, दूल्हा पागल है, महाराज का जमाई रद्दू कर रहे, दूल्हा पागल है, कैसे पागल है। बालक कहने लगे बरू बरा बसा सवार, दूल्हा पागल है क्योंकि बैल पे बैठ के आया है। माता पिता ने कहा रे मूर्खों, उनके वहां रिवाज होगा घोड़े की जगह बैल पे बैठने का, तो क्या बैल पे बैठने पे व्यक्ति पागल हो जाता है क्या। बालक कहने लगे बैल पे बैठने का रिवाज होता है पर कपड़े तो पहनने का होता कि नहीं होता। वो शंकर जी बैठे थे तब तो महाराज बागंबर लपेटा हुआ था, पर जैसे ही नंदी पे बैठे, कमर को सीधा किया, वो बागंबर की गांठ खुल गई, वो तो नंदी को उड़ गया, आप ऐसे ही बैठे। बालक कहने लगे तन छार व्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, तन भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विगत मुख रजनी तरा, शरीर पे व्याल यानी सर्फ लपेटे हुए हैं, तन छार व्यार कपाल भूषण, गले में मुंड माला है, बिल्कुल नग्न है, भयंकर रौंद रूप है, साथ में भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, बड़े बड़े मुख के असुर हैं। उस बारात को देखने के बाद में बालक कहने लगे, बारात का दर्शन करते राम राम, सत है जो जियत रही बारात देख। उस बारात को देखने के बाद में जो जीवित रहेगा उसके बहुत बड़े पुण्य हैं, और वही उमा के विवाह को देखेगा। बाकी बारात देखने के बाद में जीने का तो मामला, घर घर बात लरकन कहीं, घर घर में बालकों ने यही बात कही। माता पिता ने कहा बेटा डरो मत, ये शंकर का समाज है। बालकों को समझाया, कुछ वरिष्ठ लोग गए, बारात को लाके जनवासे में ठहराया है। पार्वती जी की माता जी मैना जी को जब पता चला कि बारात आ गई है, तो संदेश भिजवाया दुल्हे राजा को, मुख्य द्वार पे बुलाया गया आरती उतारने के लिए, परिछन के लिए। आहा, तुलसी बाबा बोले मैना सुबिया रती वो सवारी, मैना सुबिया रती वो सवारी, संग सुमंगल गावई नारी, संग सुमंगल गावई नारी।
आरती की थाली तैयार की है। देखिए हमारे बीच में जलरिया मठ बड़ा स्थान डीडवाना आरती की थाली तैयार की है मैना जी, साथ में नारी वर्ग है, मंगल गीत गा रही है। क्या गा रही है? कि मेरो दुलो, अरे मेरो दुलो गुलाब को फूले, दुलन मोरी कुसुम कली। क्या कह रही है? दूल्हा गुलाब का फूल है। इन बेचारी को मालूम नहीं दूल्हा गुलाब का नहीं दतुरे का फूल है, देखेगी तो पता चलेगा। जैसे ही महाराज आई है मैना जी, ऐसे आरती उतार रही है, सर झुकाए ऐसे, तो आरती के अंदर दूल्हा को तिलक लगाने के लिए दही की कटोरी होती है, जिसे दही ललाट भी कहते हैं। वो दही की कटोरी भरी हुई थी, तो वो जो कान के अंदर छोटे वाले व्याल थे ना, उन्होंने सोचा कि बाबा क्या पता कब ब्याहेगा, ऐसा करते हैं धीरे से निकल के दो दो घूंट ले ही ले। वो धीरे से निकल के थाली में आए, तो वो छोटे थे, थाली में पुष्प पुष्प इत्यादि काफी थे, तो वो तो नजर में आए नहीं। थाली जैसे जैसे ऊपर की, तो ऊपर जो अहिराज है नागराज, उनकी नजर थाली में गई, उन्होंने देखा अरे ये छोटे वाले तो दूध पी रहे, भूख तो हमें भी लगी है, बेईमानी कर रहे हैं लोग। उन्होंने सोचा एक बार में हम पूरा का पूरा पी लें। जैसे ही थाली ऐसे करके मैना जी ने ऐसे की, और ऊपर से नागराज ने अपना फन दूध पीने के लिए थाली की तरफ किया, ऊपर से लटकते हुए सर्प को देखा। मैना जी ने सोचा ये ऊपर से सर्प कैसे आया थाली में, ऐसे करके नजर ऊपर घुमाई तो वहां क्या देखे महाराज, एक क्या वहां तो सर्पों का भंडार भरा है। विकट वेश स्वरूप जब देखा, शिव के उस रौंद रूप को देखा, हाथ से थाली नीचे गिर गई। भयभीत होके मैना जी भीतर भागी हैं, सीधी आई पार्वती जी के महल में, उमा को हृदय से लगाया और रोने लगी। कहने लगी बेटी ये विधि ने क्या कर दिया, कसकीन बरु बोरा विधि जे तुमई सुंदरता दही, जो फल तही सुर तरु बस बबू रही ना गही। ये विधि ने क्या कर दिया, जितना रूप तुझे सुंदर दिया, तेरे इस दुल्हन को ऐसा बावरा बना दिया, जो फल कल वृक्ष के लगना था वो बबूल के लग गया। पर विधि को कुछ भी मंजूर हो, पर मुझे विधि की बात मंजूर नहीं है। बेटी जब तक मैं जीवित हूं इस पागल दुल्हन के साथ में तेरा विवाह कभी नहीं करूंगी। तुम सही ते गिरी ते गिरो पावक जरो जल निधि मऊ परो, घर जाऊं अपजस होई जगदियत व्यान करो। तुझे लेके मैं पहाड़ से कूद के मर जाऊंगी, तुझे लेके दरिया में कूद जाऊंगी, जलती अग्नि में कूद मरूंगी, पर जब तक मैं जीवित हूं इस दुल्हन के साथ में तेरा विवाह नहीं करूंगी। आज की कथा को हम यहीं विराम करेंगे।